छपरा जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी के संयुक्त ऑपरेशन में 25 किलोग्राम चांदी जब्त कर दो तस्करों को दबोचा है। हिरासत में लिए गए तस्करों से पूछताछ की जा रही है। दोनों ने जैकेट में चांदी को छिपाकर रखा था। पूछताछ के दौरान पता चला कि यूपी के बनारस शहर से ये चांदी छपरा लाई जा रही थी, लेकिन इसके वैध कागजात नहीं थे। इस दौरान आरपीएफ पोस्ट इंचार्ज इंस्पेक्टर अनिरुद्ध रॉय ने कहा कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे दो यात्रियों की गतिविधियां संदिग्ध दिख रही हैं। जैसे ही ट्रेन छपरा जंक्शन पर पहुंची, दोनों यात्रियों को रोका गया और आरपीएफ पोस्ट पर लाकर उनसे पूछताछ करते हुए उनकी तलाशी ली गई। तलाशी में उनके बैग से चांदी के जेवरात बरामद हुए और जब उनकी शारीरिक जांच की गई तो उन्होंने अपने कमीज के नीचे बंडीनुमा जैकेट बांध रखा था। जिनमें बने पॉकेट में भी जेवरात भरे हुए मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया। जब उनसे जेवरातों से जुड़े कागजात की मांग की गई तो उन्होंने कोई कागजात पेश नहीं किया। कहाँ से हुई, किस ट्रेन से हुई? आज मुखबिरी से सूचना प्राप्त हुई थी कि स्वतंत्रता सेनानी 025-62 में दो व्यक्ति अपने शरीर पे बेल्टनुमा सिलाई किए हुए कपड़े के ये में चांदी बनारस से छपरा लेके आ रहे हैं। उसी के आलोक में राष्ट्रीय के साथ अपने जीआरपी भाई के साथ जॉइंट रूप से रेड किया गया। दोनों आदमी S7 के 3 नंबर और 6 नंबर बर्थ पर यात्रा कर रहे थे। छपरा इनको उतरना था। छपरा उतरने के उपरांत इनको चेक किया गया तो इनके पास से लगभग 25 किलो चांदी का विभिन्न डिजाइन का ऑर्नामेंट्स बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 17.5 लाख रुपया आका गया है। इनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी कागजात मौजूद नहीं है इन सिल्वर के ऑर्नामेंट ले जाने अपने साथ रखने का, बाकी दौरान जांच क्लियर हो। पकड़े गए दोनों तस्कर सारण और मढौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत खोदाई बाग गांव और नगर थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। दोनों जेवरात लेकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चले थे और इन्होंने छपरा शहर के साहिबगंज सोनार पट्टी स्थित सुरेश प्रसाद एंड सन्स दुकान पर डिलीवरी करनी थी। बीच रास्ते में ही आरपीएफ ने धर दबोचा। पंजाब केसरी के लिए छपरा से रंजीत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।